हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम नेट के पाठ्यक्रम में संकलित इकाई 8 नाटक के अंतर्गत सिंदूर की होली नाटक के परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं इस नाटक के महत्वपूर्ण बिंदुओं को। पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार थे। उन पर पाश्चात्य नाटककार इंसन, सा, मैटरलिंक आदि का खास प्रभाव था, लेकिन फिर भी उनके एकांकियों में भारत की आत्मा बसती थी। पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र जी ने प्रचुर मात्रा में गद्य तथा पद्य दोनों में ही साहित्य सृजन किया है। मौलिक सृजन से लेकर अनुवाद तक उन्होंने स्वोद्देश्य लेखन किया है। उन्होंने लगभग 25 नाटकों और 100 एकांकियों का सृजन किया है। अशोक वन, प्रलय के मंच पर, कावेरी में कमल, बलहीन नारी का रंग, स्वर्ग से विप्लव, भगवान मनु आदि उनके प्रख्यात एकांकी संग्रह हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण लाल, पंडित उदय शंकर भट्ट तथा उपेंद्रनाथ अश्क आधुनिक युग के प्रमुख एकांकीकारों में गिने जाते हैं, परंतु पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र का स्वर इन सबसे अलग रहा है। हिंदी के एकांकीकारों में उनका अपना एक विशेष स्थान है। आइए इनके कृतियों को देखते हैं। नाटक में अशोक, सन्यासी, रक्षा का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, राजयोग और सिंदूर की होली, आधी रात, गरुड़ ध्वज, नारद की वीणा, वत्सराज और दशाश्वमेध, वितस्ता की लहरें, चक्रव्यूह, समाज के स्तंभ, गुड़िया का घर, मिस्टर अभिमन्यु। अन्य रचनाएं में अंतर जगत, कविता संग्रह, अशोक वन, एकांकी संग्रह। सिंदूर की होली का रचनाकाल 1934 ईस्वी है। यह एक समस्या प्रधान नाटक है। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी को समस्या प्रधान नाटक का जनक कहा जाता है। सामाजिक समस्या प्रधान नाटकों के क्रम में सिंदूर की होली उनका 5वां नाटक है। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के सभी नाटक 3 अंकों में हैं। अंकों का विभाजन दृश्यों में नहीं किया गया है। इस नाटक की खास बात यह है कि इस नाटक में एक ही दिन के पूरी घटना का वर्णन किया गया है। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की सर्वश्रेष्ठ नाटक है। इस नाटक में उन्होंने चिरंतन नारीत्व की समस्या का प्रतिपादन किया है। नाटककार ने समकालीन भारतीय समाज में स्थित नारी समस्याओं का अंकन विभिन्न पात्रों के द्वारा किया है। इस नाटक के 3 अंक हैं। तीनों अंकों में दृश्य स्थल एक ही है, डिप्टी कलेक्टर मुरारी लाल के बंगले की बैठक। आइए इस नाटक के पात्र को देखते हैं। नाटक के पात्र हैं, इस नाटक में कुल 9 पात्र हैं, जिसमें 7 पुरुष और 2 स्त्री पात्र हैं। रजनीकांत भगवंत सिंह का भतीजा, मनोज शंकर मुरारी लाल के मित्र का लड़का है। मुरारी लाल डिप्टी कलेक्टर, उम्र 40 वर्ष, 10,000 रुपये लेकर रजनीकांत की हत्या का मार्ग निरापद कर देता है। माहिर अली मुरारी लाल का पुराना मुंशी है। भगवंत सिंह पहले मजिस्ट्रेट था, फिर राय साहब हो गया रजनीकांत का हत्या करने वाला। हरनंदन सिंह रजनीकांत के पिता का मामा। डॉक्टर चंद्रकला का चिकित्सक। स्त्री पात्रों में चंद्रकला मुरारी लाल की बेटी, नाटक की प्रमुख पात्रा, जो रजनीकांत से प्रेम करती है और मृत रजनीकांत के हाथों अपनी मांग में सिंदूर भरकर उसकी विधवा बन जाती है। मनोरमा रूढ़िवादी सोच वाली चंद्रकांता की विरोधी, जो मुरारी लाल के घर पर रहती है। आइए इस नाटक के उद्देश्य को देखते हैं। नाटककार ने समकालीन भारतीय समाज में होने वाले नारी के समस्याओं का चित्रण विभिन्न पात्रों के माध्यम से किया है। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करते हुए भारतीय नारी की दशा को सुधारने का भी प्रयास किया गया है। सिंदूर की होली नाटक में इसी वैधव्य की समस्या को केंद्र में रखकर इस पर अनेक प्रकार से चर्चा की गई है। नाटक में चंद्रकला केंद्रीय पात्र है, जिसके द्वारा प्रणय और वैधव्य का संघर्ष अभिव्यक्त हुआ है। साधन और संपन्न व्यक्ति की मानसिकता को दिखाया गया है। निस्वार्थ
और आदर्श प्रेम को दिखाया गया है। इस नाटक में भ्रष्टाचारी कानून व्यवस्था का जिक्र आया है, गुनहगारी प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया गया है, निर्दोष की हत्या का चित्रण हुआ है, रोमांटिक भावुकता और यथार्थ बुद्धिवाद में टकराहट का चित्रण हुआ है। आइए देखते हैं इस नाटक के कथा वस्तु। नाटक में चंद्रकला डिप्टी कलेक्टर मुरारी लाल की एकमात्र संतान है। उसकी आयु 20 वर्ष है। चंद्रकला का पालन पोषण शिक्षा दीक्षा पाश्चात्य वातावरण में हुआ था, इस कारण उसके विचार तथा व्यवहार स्वच्छंद थे। चंद्रकला स्वच्छंद तथा उन्मुक्त प्रेम की पक्षधर थी। प्रथम दृष्टि में ही उसे रजनीकांत से प्रेम हो जाता है। वह यह जानते हुए कि रजनीकांत विवाहित है, उसे प्राप्त करने की इच्छा रखने लगती है। चंद्रकला रजनीकांत की सुंदर मुस्कान पर अपना सर्वस्व न्योछावर कर देती है और अस्पताल जाकर मृत रजनीकांत की उंगलियों से अपने माथे पर सिंदूर लगवाकर सिंदूर की होली खेलती है। रजनीकांत के प्रति वह पूरी तरह समर्पित है। वह रजनीकांत को देखने के लिए अस्पताल जाती है। उसे ना तो अपने पिता के मान सम्मान का ध्यान है और ना ही समाज का डर। उसके पिता मुरारी लाल उसके इस कृत्य पर बहुत क्रोधित होते हैं और कठोर स्वर में उससे पूछते हैं। मुरारी लाल शाम को गई थी अस्पताल में, बोलती क्यों नहीं? चंद्रकला जी। मुरारी लाल क्रोध में, बस एक शब्द जी। मेरे सामने आज आ रही है और भरे अस्पताल में उसके सर पर हाथ रखने में, उसके तलवे को सहलाने में लाज नहीं आई? दुनिया जान गई कि मेरी लड़की अस्पताल में एक मरे हुए लड़के की सहानुभूति में वहाँ तक खींच गई थी। मैं कल किस मुँह से कचहरी जाऊँगा? मुमकिन है कि कलेक्टर सुने तो समझे कि मैं रुक कर उसकी ओर देखने लगता है। चंद्रकला वहाँ से जाना चाहती है। कहाँ चली? ठहर जा, मैं हरगिज़ ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपनी मर्यादा इस तरह मिट्टी में मिलने नहीं दूंगा। अस्पताल क्यों गई थी? किसकी आज्ञा से? चंद्रकला घूमने गई थी। मुरारी लाल घूर कर, सारा दिन स्वांग किए रही और शाम को घूमने गई अस्पताल में? चंद्रकला तेजी से भीतर से निकल जाती है। रजनीकांत की मृत्यु का समाचार सुनकर चंद्रकला अपना श्रृंगार करती है। गले में चंद्रहार पहनकर तथा मांग में सिंदूर डालकर कहती है, आज मैं भी विधवा हो गई। उसके इस उन्माद पर मनोरमा दुखी होकर चंद्रकला को समझाने का प्रयास करती है, लेकिन चंद्रकला अपने वैधव्य को आत्मज्ञान कहती है। चंद्रकला छी, उन्माद क्यों होगा? मेरे भीतर आज चिरंतन नारित्व का उदय हुआ है। मेरी चेतना आज मेरे चारों ओर फैल रही है और तुम कहती हो मुझे उन्माद हो रहा है। मैं आज अपने पैरों पर खड़ी हूँ, मुझे किसी दूसरे पुरुष की सहायता की ज़रूरत नहीं है। रोटी और वस्त्र, मेरी शिक्षा इतनी हो चुकी है कि मैं अपना प्रबंध कर लूँगी, कोई चिंता नहीं है। मेरा वैधव्य अमर रहे। चंद्रकला अपने वैधव्य को अमर बनाना चाहती है, लेकिन मनोरमा जानती है कि यह क्षणिक आवेश है। तुम क्या समझती हो? वैसी हंसी, मुस्कुराहट, शरीर की सुंदरता और उसका विकास, आंखों की बिजली और बालों का उन्माद, उस कोटि का चारों ओर हाथ उठाकर इतने बड़े संसार में दूसरा ना होगा और तुम्हारी दानशील प्रवृत्ति वहाँ भी ना उलझ जाएगी। चंद्रकला की स्वच्छंद प्रवृत्ति के कारण ही मनोरमा को उसके अनेक बार विधवा होने का डर है। चंद्रकला आधुनिक विचारों वाली युवती है तथा नारी स्वतंत्रता की पक्षधर है। उसके अनुसार नारी स्वयं अपने शोषण के लिए उत्तरदायी है। स्त्री ने स्वयं अपना नरक बनाया है, पुरुष उसके लिए दोषी नहीं है। चंद्रकला का मानना है कि पुरुष ने रोटी और कपड़े की आड़ में नारी को गुलाम बनाया है तथा जब तक नारी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाएगी तब तक उसके उद्धार की कोई संभावना नहीं है। चंद्रकला, रोटी और कपड़े के प्रश्न को लेकर ही मर्यादा बिगड़ गई। हमारा स्त्रियों का निर्माण उन्हीं उपकरणों से हुआ है जिनसे पुरुषों का हुआ है, लेकिन तब भी हम पुरुषों की गुलामी सदैव से करते चली आ रही हैं। हमारे भीतर कभी संदेह पैदा नहीं हुआ, ऐसा क्यों? चंद्रकला, नारी की इस दासता का मुख्य कारण नारी के उन गुणों को ही मानती है जिनकी प्रशंसा करके पुरुष ने उसे बेड़ियों में बांध दिया और अपनी प्रशंसा से आत्ममुग्धा हुई। नारी पुरुष के समक्ष सदैव के लिए समर्पित हो गई, कभी त्यागमयी तो कभी वात्सल्य की देवी बनाकर पुरुष उसे छलता रहा।
उसका शोषण करता रहा। नारी तन से ही नहीं मन से भी कोमल होती है। पुरुष ने नारी की इसी दुर्बलता का अनुचित लाभ उठाया है। शरीर और मन की इसी कमजोरी के कारण हम संसार के उन्मुक्त वातावरण से खींचकर दीवारों के घेरे में डाल दी गई। चंद्रकला का यह मानना है कि यदि नारी अपने मन को मजबूत बना ले तो फिर उसकी मुक्ति हो जाए। चंद्रकला के अनुसार अपनी मुक्ति का प्रयास नारी को स्वयं करना है तथा पुरुष के चार हाथ की सेज को ही अपना संसार मानने की मानसिकता से बाहर आना है। चंद्रकला को सामाजिक रूढ़ियों का बंधन स्वीकार नहीं है। विवाह के अवसर पर होने वाले वेद मंत्रों, शंख ध्वनि, हवन, ब्रह्म भोज आदि को वह अर्थहीन मानती है। सामाजिक जीवन की परंपराओं की पूर्णता या अपेक्षा करते हुए वह अस्पताल में मरणासन लेटे रजनीकांत के हाथों से अपना मांग में सिंदूर भरकर स्वयं को विवाहित करती है, कहती है और मनोरमा के विरोध करने पर अपने वैधव्य का औचित्य सिद्ध करते हुए कहती है, चंद्रकला विवाह तो मेरा भी हो गया। 1,000-2,000 आदमी भोजन नहीं कर सके, 10-20 बार शंख नहीं बजा, थोड़े से मंत्र और श्लोक नहीं पढ़े गए, यही ना। मनोरमा, तब विवाह कैसे हुआ? चंद्रकला मुस्कुरा कर कहती है, विवाह की कई प्रणालियां हैं, हमारे ही यहाँ पहले प्रचलित थी, अब ज़रूर रुक गई है, लेकिन खैर मेरा तो हो गया। चंद्रकला अपने मत को ही शास्त्र मानती है, अनुभूति को महत्व देकर सामाजिक परंपराओं की उपेक्षा करती है। यथा शास्त्र और संस्कार मेरा मत है, मेरी आत्मा को जो स्वीकार बस और कुछ नहीं। मनोरमा के वैधव्य को वह रूढ़ियों की देन मानती है, क्योंकि जिस पुरुष को देखा ही नहीं हो उसके नाम रूपी डोर से बंधकर वैधव्य को ढोना नितांत रूढ़िवादिता ही है। वह मनोरमा से कहती है, बहन तुम्हारा विधवापन तो रूढ़ियों का विधवापन है, वेद मंत्रों का और ब्रह्म भोज का। जिस पुरुष को तुमने देखा नहीं, जिसकी कोई धारणा तुम्हें नहीं है, जिसकी कोई स्मृति तुम्हारी आत्मा को हिला नहीं सकी, उसका वैधव्य कैसा? तुम स्वयं सोच लो। इस प्रकार वह सामाजिक परंपराओं के प्रति अपनी उपेक्षा अभिव्यक्ति करती है। चंद्रकला भावुकता से आक्रांत है और अपने क्रियाकलापों में वह तथ्यों की अपेक्षा भावनाओं को अधिक महत्व देती है। वह अपने प्रेम भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाती है और मनोरमा से रजनीकांत का चित्र बनवाती है। मनोरमा का मत है कि चित्र को रजनीकांत की पत्नी के पास भेज देना चाहिए, किंतु चंद्रकला को यह स्वीकार नहीं है। वह उसे सदैव अपने पास रखना चाहती है, यथा मनोरमा किसी तरह यह चित्र उसकी स्त्री के पास पहुंचाना चाहिए। चंद्रकला खूब कह रही हो, सिर हिलाकर, चित्र बनवाया मैंने और भेज दूँ उसके पास? मनोरमा, दान कर दो अपनी तरफ से, उसे उसकी ज़रूरत है। चंद्रकला, दूसरा बना दो। इस प्रकार लक्ष्मी नारायण मिश्र जी ने चंद्रकला के चरित्र को स्त्री सशक्तिकरण के रूप में सफल चित्रित किया है। आइए देखते हैं इस नाटक के महत्वपूर्ण पंक्तियों को। तुमको और मनोज शंकर को प्रसन्न रखने में अगर मेरा सब कुछ बिगड़ जाए तब भी मुझे चिंता नहीं, मुरारी लाल का कथन। अगली पंक्ति, उसकी आकृति से लड़कपन की सरलता झलकती है, चंद्रकला के लिए। अगली पंक्ति, आजकल की शिक्षा में शब्दों का खिलवाड़ खूब सिखलाया जाता है, मुरारी लाल का कथन। अगली पंक्ति, झूठ का रोजगार तो आप लोग देहातों में करते हैं, लगान वसूल करने वक्त और बिरादरी में, माहिर अली का कथन भगवंत के प्रति। अगली पंक्ति, पट्टीदार और दाल गलाने की चीज़ें होती है, दाल गल जाने पर मीठी होती है और पट्टीदार गल जाने पर काबू में रहता है, भगवान सिंह का कथन। अगली पंक्ति, संसार में कोई भी पूरे तौर पर सुखी तो नहीं रहने नहीं पाता, यही संसार की लीला है, मुरारी लाल का कथन। अगली पंक्ति, हम लोग मनुष्य और उसके अधिकार की रक्षा के लिए कुर्सी पर नहीं बैठते, हम लोगों का काम है केवल कानून की रक्षा करना, मुरारी लाल का कथन। अगली पंक्ति, अब के सोचे ना बनेगा मालिक सीता राम हो, चंद्रकला का गान। अगली पंक्ति, जिस वस्तु का अनुभव ही नहीं उसके अभाव का दुख क्या, मनोरमा का कथन। अगली पंक्ति,
कला की भावना किसके भीतर नहीं होती। शिक्षा और कला का संबंध कुछ नहीं है, कला का आधार तो है विश्वास और शिक्षा का संदेह। इन दोनों को एक ही साथ रख देना, दो शत्रुओं को बांधकर एक साथ समुद्र में फेंक देना है। मनोरमा का कथन। अगली पंक्ति, जो स्वभाव है वह कमल ताल के कीचड़ में उगेगा लेकिन गंगा के बालू में नहीं। मनोरमा का कथन। अगली पंक्ति, आग के निधूम हो जाने पर उसकी दाहक शक्ति बढ़ जाती है। मनोरमा का कथन। अगली पंक्ति, प्रेम दो चार से तो हो नहीं सकता और फिर अब प्रथम दर्शन में प्रेम का समय भी नहीं रहा। वह तो युग दूसरा था जब हृदय का रस संचित रहता था और अनायास किसी ओर वह उठता था। चंद्रकला का कथन। अगली पंक्ति, सत्य तीक्ष्ण होता ही है। चंद्रकला का कथन। मुझे अपना घर बनाना है। मनोरमा का कथन। कानून दंड देगा, कला क्षमा करेगी। कानून संदेह करेगा, कला विश्वास करेगी। मनोरमा का कथन। अगली पंक्ति, कला की साधना अपने लाभ के विचार से नहीं होती। मनोरमा का कथन। अगली पंक्ति, सत्य का सूत कच्चा था, जितनी जल्दी टूट गया, कितनी जल्दी टूट गया। मनोरमा का कथन। अगली पंक्ति, पुरुष आँख के लोलुप होते हैं, विशेषता स्त्रियों के संबंध में मृत्युशैया पर भी सुंदर स्त्री इनके लिए सबसे बड़ा लोभ हो जाती है। मनोरमा का कथन। अगली पंक्ति, विषाद का स्वर ना बजाकर आनंद का स्वर बजाया करो। सुई लेकर जीना अच्छा नहीं है। मनोरमा का कथन, मनोज शंकर के प्रति। अगली पंक्ति, पुरुष का सबसे बड़ा रोग स्त्री है और स्त्री का सबसे बड़ा रोग है पुरुष। मनोरमा का कथन। अगली पंक्ति, आत्मघाती पिता के पुत्र के लिए संसार में सम्मान कहाँ। मनोज शंकर का कथन। अगली पंक्ति, उसका हाथ मैंने इसलिए नहीं पकड़ा था कि मैं उसे स्त्री बनाऊंगा, उसका हाथ तो मैंने इसलिए पकड़ा था कि मैं जीवन भर अविवाहित रहूंगा। मनोज शंकर का कथन। अगली पंक्ति, बहुत से लोग जीवन की शिक्षा की ओर ध्यान नहीं देते, इसलिए उपदेशक और दार्शनिक बनते हैं, लेकिन उसे सुनते हैं और समझते हैं, सुनते हैं समझते हैं, मेरी तरह शायद व्यंग करते हैं। मनोज शंकर का कथन। अगली पंक्ति, प्लेटो के प्रजातंत्र में कवि को कोई स्थान नहीं मिला था, स्त्री के प्रेम तंत्र में बुद्धि और ज्ञान को कोई स्थान नहीं मिला है। मनोज शंकर का कथन। अगली पंक्ति, प्रेम करना विशेषतः स्त्री के लिए कभी बुराई नहीं। स्त्री जाति की स्तुति केवल इसलिए होती है कि वे प्रेम करती हैं, प्रेम के लिए ही उनका जन्म होता है। स्त्री चरित्र की सबसे बड़ी विभूति, उसका सबसे बड़ा तत्व प्रेम माना गया है और उस पर भी यह तो उसका पहला प्रेम है, उसमें बुराई कहाँ है। प्रेम वकील से राय लेकर, जज से अधिकार पत्र लेकर तो किया नहीं जाता। जो बात स्वतः स्वभाव है, प्रकृति है, वह तो चरित्र का गुण है, अवगुण नहीं। मनोज शंकर का कथन। अगली पंक्ति, कवि और गायक भावुक जीव होते हैं। डॉक्टर का कथन। अगली पंक्ति, प्रकृति के रास्ते पर लौट आना, निरोग होना दोनों बराबर है। मनोज शंकर का कथन। अगली पंक्ति, तुम्हारी समझ में विधवाएं समाज के लिए कलंक है। मैं समझती हूँ समाज की चेतना के लिए विधवाओं का होना आवश्यक है। मनोरमा का कथन, मनोज शंकर के प्रति। अगली पंक्ति, यह कयामत की रात है, आज दुनिया का निशान मिट जाएगा। माहिर अली का कथन। अगली पंक्ति, कहकर एक बार फांसी पर जाना रोज़ फांसी से अच्छा है। माहिर अली का कथन। अगली पंक्ति, स्त्री का हृदय सर्वत्र एक है, क्या पूर्व क्या पश्चिम, क्या देश का क्या विदेश। चंद्रकला का कथन। अगली पंक्ति, मेरे भीतर आज चिरंतन नारीत्व का उदय हुआ है। चंद्रकला का कथन। अगली पंक्ति, भावुकता और विक्षोभ के अवसर पर निकले हुए शब्द संस्कारों की मर्यादा इस तरह नहीं मिटा सकते और इसलिए कि उनका आधार नहीं होता, परीक्षा की आँच में ठहर भी नहीं सकते। मनोरमा का कथन। अगली पंक्ति, सचित कर्म जो चाहते हैं करा डालते हैं, इससे हम
किसी का दोस्त नहीं है। मनोज शंकर का कथन।